हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज बनाती हूँ मैं नमकीन। यहाँ पे मैंने नागपुरी पोहा ले रखा है, ये देखिए, इसे छान लिया है। इसकी बारीक डस्ट निकाल देना है, 2 घंटे धूप में भी सुखाना है ताकि इसकी नमी निकल जाए। और ये है मक्के का पोहा, तो जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उस हिसाब से लेना है। 1/2 किलो मैंने पोहा लिया है और 250 ग्राम ये वाला पोहा लिए है। खड़ा धनिया लिए है, मूंगफली दाने हैं, राई के दाने, कड़ी पत्ता तो आप जितना ज़्यादा डालें अच्छा है, सौंफ है, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, ये लाई है जिसे मुरमुरा कहते हैं, तो 200 ग्राम ये लिए मैंने। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे चटका लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है वरना वो दिखने में बेकार लगेगी। ये नमकीन मिनटों में बन जाता है, चाहे आप बच्चों की टिफिन के लिए बनाएं या अपने लिए। तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखें, समय नहीं लगता है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मूँगफली दाने हो गए हैं तो हम इसे निकाल लेंगे। मक्के के पोहे को तेज आंच पे निकालना है वरना वो अच्छे नहीं निकलेंगे। थोड़े थोड़े करके इन पोहों को निकालना है तल के। तेल अच्छे गर्म होना चाहिए और एक बार में कम से कम ही निकालें। ये एक बड़ा पतीला लिया है, इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे, जो जो मसाले हमने दिखाए थे आपको वो डाल देंगे, बाकी जो रह जाएगा वो बाद में बताएंगे क्या क्या डालना है। इन सभी को अच्छी तरह से चटका लेना है, जब तक तब तक एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। नमकीन में जायका तभी आएगा जब ये अच्छे से भुन जाएंगे। नमकीन फ्राई करते वक्त तेल अगर आपको कम लग रहा है तो गरम करके उसे थोड़ा हल्का ठंडा करके डालें। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, सभी मसालों को अच्छी तरह से चटक जाना चाहिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नमकीन के हिसाब से मैंने हल्दी डाल दी है यहाँ पे 1 चम्मच, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चा कच्चा स्वाद ना आए। सारा पोहा डाल के थोड़ा स्लो आंच करके इसे अच्छे से भूनना है। सारे पोहे को धीरे धीरे भून लेंगे अच्छे से। बराबर चलाते जाना है इसे वरना नीचे पोहा जल जाएगा। नमकीन बनाते वक्त पोहा उठना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो पहले आप धूप में सुखा लें तो ज़्यादा अच्छा है।
ये पोहा भून चुका है, तो मूंगफली और मक्के के पोहे के साथ हम मिला देंगे इसे और इसे सबको मिक्स कर देना है। तीनों चारों चीजें एक साथ ठंडी भी हो जाएगी, सब में फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। इस तरह से मिला दें। कढ़ाई में थोड़ा सा हमने एक चम्मच तेल डाला है, साथ ही डालेंगे हल्दी और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। लाई को भी हम भून लेंगे अच्छे से। दो से चार मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाती है। वो भूनते वक्त इसे थोड़ा सा नेल से चटका के देखें भुनी कि नहीं। इसे भी हमें लगातार चलाते जाना है, तभी सारी लाई एक साथ भुन पाएगी। इस तरह से एक बार देखने जरूर है, बहुत अच्छे से भुनने ऐसे। इस नमकीन को हम चाय के साथ खा सकते हैं, या हमारे घर में कभी मेहमान आ रहे हों उनके लिए भी बना सकते हैं। बना के देखिए एक बार। इसी में हम लाई मिला देंगे। मिलाना हिसाब से ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए इसमें। सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाना है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। ये हमने मठरी बना के रखी थी नमकीन के लिए, तो इसमें मठरी भी मिला दी है मैंने। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। ये नमकीन मछली है, इसका वीडियो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। सभी को अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार, जितना आपको तीखा पसंद है। काली मिर्च पाउडर डाल दिए 2 चम्मच। अमचूर पाउडर स्वाद के अनुसार ही मिलाएं। काला नमक, साथ ही डाल दूंगी मैं सादा नमक। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। पांच से सात मिनट तक इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं इसका स्वाद आपको कैसा लगा, और घर पे आपने इसे बनाया कि नहीं बनाया।
सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। इसे अलग से प्लेट से निकाल लेंगे। लीजिए, नमकीन बनके तैयार है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।